So let me again start with our lecture today. मैडम बच्चों, हम पहले पार्टिकल करेक्टर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं और पार्टिकल करेक्टर ऑफ लाइट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. लास्ट टाइम हमने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा था बेटा. उससे पहले हमने ये पढ़ा था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी आई क्यू, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहां से आई, कैसे पता चली. आज बेटे हम पार्टिकल करेक्टर को प्रूव करने के लिए एक और चीज पढ़ेंगे, पार्टिकल करेक्टर ऑफ लाइट को प्रूव करने के लिए, एंड अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक, जब तक बोलू नहीं क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, समझेंगे सिर्फ, और जब आपको बोलूंगा कि आप पूछो क्वेश्चन उसके बाद पूछो, ठीक, अगर बचे रहे. ठीक, तो आज का जो टॉपिक बेटे हमारा रहेगा वो रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो विल बी डीलिंग विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो वी आर डीलिंग विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? देखो बेटा, फोटो का मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक का मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? अगर किसी चीज पे लाइट गिरने से करंट को करंट बने तो ऐसी चीज को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. क्या है कि मान लो मेरे पास एक मेटल है, से आई हैव अ मेटल लाइक दिस, ये एक मेटल है. अब इस मेटल पे आपने क्या किया, एक लाइट को फेंका, एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को फेंका. ठीक है बच्चे, देखो एटम के यहां पे जो मेटल का सरफेस है, ये मेटल का सरफेस है, ऑब्वियसली सरफेस पे कोई एटम एटम होता होगा कि नहीं. तो ये एटम है सरफेस पे, ये उसका न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन है. ठीक है बच्चे, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, और बेटे इन दोनों के बीच में हमारे पास कुछ फोर्सेस रही होंगी, जिसको हम कौन सी फोर्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर हमने इतनी एनर्जी डाल दी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाएगा. समझ में आई मेरी बात? ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, जब किसी मेटल के ऊपर आप लाइट डालते हो विद अ सूटेबल फ्रीक्वेंसी जो कि इसकी इस फोर्स को तोड़ सके, तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि मेटल को छोड़ के बाहर निकल जाए. And this emission of electron from the metal surface, when suitable frequency of light falls over it, is called as photoelectric effect. ठीक है? तो photoelectric effect की definition पहले समझते हैं. तो हम बोलेंगे photoelectric effect क्या होता है? Emission of electrons from a metal surface when suitable frequency of light falls over it. मैंने क्या कहा, एक मेटल सरफेस पे आप इलेक्ट्रॉन, एक मेटल सरफेस पे आप लाइट डालते हो, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हो, तो वो लाइट जो है वो इस फोर्स को तोड़ देती है और तोड़ करके इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है. दिस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉल्स ओवर इट, It is called as photoelectric effect. समझ में आई? Now देखो बेटा, इसको कुछ इस तरह से समझते हैं. मान लो अभी लॉकडाउन में आपके घर का नौकर भाग गया है, ठीक है जी. अब आपको नौकर की बहुत ज्यादा तलाश है, नौकर भाग गया है. By chance घूमते घुमाते आप किसी शॉप में चले गए, किसी जगह पर चले गए, वहां दो तीन लोग काम कर रहे थे, पर एक आदमी बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है. हमें लगा यही है कि अगर ये बंदा मेरे घर में काम करे तो मजा आ जाएगा भाई,
ठीक बहुत ईमानदार लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो अगर आप उसको जाके बोलोगे चल भाई मेरे घर काम कर, तो चल पड़ेगा क्या? बोलो चल पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? यू हैव टू ऑफर सर्टेन मिनिमम सैलरी। आपको कुछ सैलरी तो ऑफर करनी पड़ेगी ना भाई, क्लियर? आपको बोलना पड़ेगा कि चल मेरे घर काम कर, मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। अब बेटे वहां से वो ले रहा है 12,000 रुपए, आप उसको दे रहे हैं 10,000 रुपए, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपको कम से कम 12,000 तो उसको बोलना ही पड़ेगा। तो पहली बात, आप उसको बोलोगे जी 12,000 ले मेरे घर पे काम कर ले। अब 12,000 वो वहां से ले रहा था और 12,000 आप दे रहे हैं, तो उसको कोई फायदा हुआ क्या? वो सोच में पड़ जाएगा, सोचेगा क्या कि यहां तो मैं अगर यहां दुखी हूं तो मैं चलता हूं इनके साथ, अगर मैं यहां पे खुश हूं और मेरे को पैसे भी उतने मिल रहे हैं, मैं क्यों जाऊं किसी के साथ यार? यानी वो डबल सोच में पड़ जाएगा। आपको दुकान के बाहर तक छोड़ने भी आ सकता है, लेकिन दुकान से बाहर निकलेगा नहीं। समझ में आई बात? उसी तरह से अगर आपने उसको बोला कि 15,000 रुपए लेना मेरे घर काम करना, झटपट तैयार हो जाएगा, हो गया कि नहीं? तो उसको 3,000 का फायदा हो गया, तो चलिए वो बोलेगा चलो भाई मैं आपके साथ चलता हूं, चलो सर मैं आपके साथ चलता हूं। अब आपने 15,000 बोले तो भैया क्या हुआ, वो जल्दी से आ गया। अगर मान लो आपने 18,000 बोल दिए होते, वो फटाफट भागता, यार 5,000 का फायदा हो रहा है, 6,000 का, फटाफट भागता। आपने 20,000 बोल दिया होता और छलांगे मारते हुए आता, और कहीं 25,000 बोल दिया होता, तो आपके घर पहुंचने से पहले वो पहुंच गया होता, isn't it? यानी जैसे आप अमाउंट पैसे का बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी भागने की एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती चले जा रही है, उसकी भागने की एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, ध्यान रखने की बात। दूसरी बात, अब नौकर वहां पे 4 काम कर रहे थे भाई, ठीक है, आपने एक को सैलरी ऑफर करी, आपने 15,000 25,000 30,000 जितनी मर्जी ऑफर की हो, क्या दूसरा बंदा फ्री में चल पड़ेगा? यानी अगर सैलरी एक आदमी को ऑफर करोगे तो बेटा एक ही आदमी बाहर आएगा, चाहे जितनी मर्जी कर लो। हाँ, जितनी ज्यादा करोगे उसकी भागने की जो पावर है, भागने की जो चीज है, वो ज्यादा हो जाएगी, बट कोई और फ्री में नहीं आएगा। अगर आपको एक से ज्यादा नौकर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 लोगों को अलग अलग सैलरी बांटनी पड़ेगी, और उतनी बांटनी पड़ेगी जितनी वो वहां से रहे तो उससे ज्यादा। अब इस सारी चीज को हम अपनी साइंस में लगाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का नौकर है, न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, आपने उसके ऊपर लाइट डाल दी, यानी उसको कुछ दिया है कि तुम मेरे साथ चल, ठीक है जी। पर जितने से वो यहां बंधा है, अगर आपने उससे कम डाली तो क्या जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। आपको कम से कम उतनी एनर्जी डालनी होगी जिससे ये बाहर निकल जाए, जिससे ये वाली फोर्सेस तोड़ सके, ठीक। और उससे जितनी फोर्सेस थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ेगी ताकि ये टूटे और बाहर निकल सके। सो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई? क्या बोला? मिनिमम एनर्जी required to remove electron from a metal surface is called as binding energy। हमें कम से कम बाइंडिंग एनर्जी से ऊपर एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट होगा। अब एनर्जी देने के बड़े सारे तरीके हैं, ठीक। या तो आप हीट कर सकते हैं, या करंट को पास करवा सकते हैं, या उस पर किसी तरह का वर्क कर सकते हैं। तो अगर मैंने वर्क किया, या मान लो पोटेंशियल दिया, करंट दिया, पोटेंशियल दिया, तो इसी बाइंडिंग एनर्जी को अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ मैटर, वर्क फंक्शन, ठीक। यानी हम बोल सकते हैं पोटेंशियल गिवन
पोटेंशियल गिवन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन यानी एनर्जी अगर पोटेंशियल की तरह दे तो उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं मिनिमम वर्क नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम वर्क नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। तो देखो बेटा, एक बाइंडिंग एनर्जी है, दूसरा वर्क फंक्शन है। बाइंडिंग एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है, कम से कम उतनी एनर्जी डालनी पड़ेगी। वर्क फंक्शन जो पोटेंशियल या जो वर्क आप करते हो टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली हमने एक चीज पढ़ी थी बेटा पिछले उसमें, कि एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल इनटू चार्ज होती है। एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल इनटू चार्ज होती है, ठीक है जी। तो अगर मैं यहां पे बाइंडिंग एनर्जी की बात करूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी वर्क फंक्शन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिखा जाता है, ई। समझ में आई? क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क फंक्शन, और चार्ज किसका निकाल कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज इनटू पोटेंशियल इज बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि एनर्जी इज पोटेंशियल इनटू चार्ज। मतलब समझो, कल को मैंने बोल दिया कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Find the binding energy of electron. ठीक, वर्क मेटल पे करते हैं बेटा निकालने के लिए, और बाइंडिंग एनर्जी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है जिससे वो जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो बेटा जी ये देखो जरा, यहां पर वर्क फंक्शन हमारे पास क्या है, 5 वोल्ट्स, और ई क्या है यहां पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही तो है। तो अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी की बात यहां पे कर रहा हूं तो आ जाएगा 5 वोल्ट्स इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इंटू 10^-19 कूलम, सो दैट विल कम आउट इंटू जूल्स। तो ये बाइंडिंग एनर्जी किसमें आ जाएगी, जूल्स में आ जाएगी। समझ में आया? यानी कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करते हैं ना बेटा, तो क्या करते हैं, जो दिया है जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोला 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोला 10 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.602 × 10^-19 SI, ये SI में होता है। CGS में आपको पता 4.8 × 10^-10 ESU होता है ना, ये SI में होता है। तो हम SI में ले रहे हैं, क्योंकि वोल्ट भी SI यूनिट है, तो SI में लेकर के हमने इसको जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जब कभी भी वर्क फंक्शन दिया होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिया होगा, और बाइंडिंग एनर्जी दी होगी और जूल्स में दी होगी, ठीक। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई। क्लियर? अगली बार अब बेटा हमें बाइंडिंग एनर्जी समझ में आई क्या होती है, हमें पता चल गया बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है, वर्क फंक्शन किसका होता है, मेटल का। मेटल के ऊपर हमने वर्क करना होता है, बाइंड कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंगली कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। क्या आ गई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोलता हूं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी।
थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो कम से कम हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड एज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो कम से कम फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको क्या नाम दिया हमने, उसको हमने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को लिखते समय हम लिख देंगे न्यू नॉट, क्या लिख देंगे न्यू नॉट, न्यू आपको द फ्रीक्वेंसी होता है, नॉट किसके लिए होता है कम से कम मिनिमम। अब थोड़ा यहां ध्यान देना ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने क्या किया, हमने मेटल के ऊपर लाइट डाली, लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकल सकता है बेटा, बेटा जिस मेटल के इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड होंगे वही तो निकलेगा ना, ठीक है ना, उसके इलेक्ट्रॉन निकालने आसान होंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे ना बेटा उसी के इलेक्ट्रॉन निकालने तो आसान होंगे। अब लूजली हेल्ड किसके होंगे, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो लेसर इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, इजियर इज टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड मोर विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोन बाय इट। क्या बोला, लेसर is the ionization enthalpy, lesser is the ionization enthalpy or ionization energy of metal, more easily electron can be ejected, ठीक है जी। जितनी आपकी ionization energy कम होगी metal को निकालना उतना आसान। सर ये तो बता दो ionization energy क्या होगी, आप जानते हो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम किसी, वो तो चलो आइसोलेटेड गैसियस एटम से हम लेते हैं, पर जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है ऑब्वियसली सॉलिड से भी इलेक्ट्रॉन निकालना उसका आसान होगा, अगर गैस से आसान है तो सॉलिड से भी तो आसान होगा ना बेटा उसी तरह से। तो कहने का मतलब इससे हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना जिसका आसान है वो ज्यादा अच्छा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। और बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर अपने पीरियोडिक टेबल में चले डाउन टू द ग्रुप नीचे जाते हो बढ़ती है, और पीरियड में जाते हो भी क्या होती है बढ़ती है, तो जो हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे इस साइड यानी इस साइड और सबसे नीचे होगा वो सबसे आसानी से हमारे पास शो करेगा क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे अल्कली मेटल्स पोटाशियम रुबीडियम सीजियम ये बहुत आसानी से हमारे पास क्या शो करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जितना नीचे जाते हैं ना बेटा हम लोग जितना नीचे जाते हैं उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती रहती है। ये अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल को कैसे याद करते हो बेटा, कभी याद किया होगा ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, कुछ ऐसे करके याद किया होगा भाई कभी ली ना की रूबी से फ्रेंडशिप, ये अल्कली मेटल है। तो बेटा डाउनवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, फ्रांसियम तो रेडियोएक्टिव है चलो हम लेते नहीं, तो बेटा इसीलिए पोटाशियम रूबीडियम सीजियम ये चीजें बहुत आसानी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है। और बेटा रुबीडियम थोड़ा महंगा होता है इसलिए यूज करते नहीं, तो जनरली फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल जो ऐसे ही लाइट को एब्जॉर्ब करके करंट बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही क्या होता है एक तरह से करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होता है, तो करंट बनता है। जैसे चंडीगढ़ में सोलर सेल्स होते हैं ना बेटा लगे हुए ऊपर, तो छत के ऊपर सोलर सेल्स लगाते हैं ना बेटा, ठीक, तो सोलर सेल्स क्या करते हैं इसी फिनोमिना पे तो काम करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उससे करंट बनता है, उस करंट को स्टोर करते हैं वो लोग, ठीक। तो ऐसे ही उसमें पोटाशियम एंड सीजियम आर जनरली यूज्ड इन द फोटोवोल्टिक सेल, क्या पोटाशियम एंड सीजियम इज जनरली यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल, ठीक, यूज इन फोटोवोल्टिक सेल यानी जो इस फिनोमिना पे काम करता है, यूज्ड इन फोटोवोल्टिक सेल्स।
जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, जो सोलर सेल्स होते हैं उसमें पोटेशियम सीजियम एटसेट्रा यूज होता है। अगर कल को तुमसे बोले बेस्ट मेटल टू शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेस्ट मेटल टू शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो सबसे नीचे और सबसे इधर होगा दैट इज सीजियम। सीजियम इज द बेस्ट मेटल टू शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। जहां सीजियम का ज्यादा होगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर रुबिडियम का उससे कम, पोटेशियम का उससे कम, तो बेस्ट मेटल कौन सा हो गया? सीजियम हो गया। लेकिन बेटे अगर बेस्ट मेटीरियल कभी तुमसे पूछे ना, बेस्ट मेटीरियल अगर तुमसे कोई पूछ ले कि बेस्ट मेटीरियल क्या होगा, तो बोलना बेटा बेस्ट मेटीरियल जो होता है वो था अमोर्फस सिलिका। अमोर्फस सिलिका, सिलिका होता है बेटा SiO2। ये जो हमारे छतों पर वोल्टिक सेल लगे होते, सोलर सेल लगे होते, अमोर्फस सिलिका से तो बनते हैं मेरे बच्चों, ठीक, क्लियर। तो कहने का मतलब सबसे पहले समझो फोटोइलेक्ट्रिक क्या था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। कहा किसी मेटल से उसमें जब लाइट गिरे, ठीक, और सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट हो, तो इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो जाए मेटल सरफेस से, ऐसे फिनोमिना को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। जो मिनिमम एनर्जी जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। उसको देने के लिए अगर हमें पोटेंशियल देना पड़ता है या वर्क करना पड़ता है, so minimum work needed to eject electron is called as work function, or potential given to remove electron from the metal surface is called as work function of metal. Binding energy or work function में relationship क्या होता है कि binding energy is work function into charge of electron. Clear हो गया। उसके बाद जो minimum frequency needed to eject electron होती है, यानी electron को निकालने के लिए जो कम से कम frequency चाहिए होती है, उसको threshold frequency बोलते हैं। वो मेटल जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन देना बहुत इजी होता है, वो सबसे आसानी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। इसलिए सीजियम इज द बेस्ट मेटल टू शो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड अमोर्फस सिलिका इज द बेस्ट मेटीरियल टू शो फोटोइलेक्ट्रिक। ये पहली थ्योरी हो गई। अब आगे चलते हैं, ध्यान देना प्लीज। अब इधर ध्यान देना, ये सारा तो हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट बात पढ़ेंगे। अब देखो बेटे मैंने क्या किया, मैंने ये मान लिया कि इस इलेक्ट्रॉन की जो थ्रेशोल्ड है वो 5 यूनिट है, यानी जितनी लाइट में डालूंगा, जितनी फ्रीक्वेंसी में डालूंगा उसमें से 5 यूनिट यहां यूज हो जाए, ठीक, तो बाकी किसमें चेंज होगी। देखो बेटा मैंने यहां पे मान लो 10 यूनिट लाइट डाल, 10 यूनिट फ्रीक्वेंसी डाल। यहां अपन फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, 10 यूनिट फ्रीक्वेंसी डाली लाइट, ठीक है, 10 हर्ट्ज या 10 यूनिट व्हाटएवर, है ना, मतलब जो भी एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10 यूनिट डाली, 5 यूनिट यहां यूज हो गई, तो बाहर कितनी निकली, 5 यूनिट हो गई, बची कितनी, 5, वो बची हुई 5 किसमें चेंज हो गई, वो इलेक्ट्रॉन ने पकड़ी और वो इलेक्ट्रॉन की क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी। तो माय डियर बच्चों इधर काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 5 यूनिट्स, क्योंकि 5 यूज हो गए, 5 बची। अब मान लो आपने ऐसा किया कि इसके ऊपर आप जो लाइट डाल रहे हो इसी के ऊपर, वो मान लो 10 की जगह आपने 15 यूनिट्स डाल दी, कितनी डाल दी, 15 यूनिट्स, बेटा यूज तो 5 ही हुई, तो बाहर कितनी निकली होगी, तो बाहर कितनी निकली होगी बेटे, 5 यूज हो गई, बची होगी कितनी, 10 यूनिट बाहर निकल गई होगी, क्लियर। अब आपने क्या किया, यहां पे दोबारा से 20 यूनिट मान लो डाल दी, यहां पे कितनी डाल दी, 20 यूनिट्स, तो बेटे जो बाहर हमारे पास निकली 5 तो यूज हो गई, जो बाहर निकली बेटा वो हमारे पास कितनी निकली, 15 यूनिट्स, 20 में से 5 यूज हो गए, 15 यूनिट। ये क्या था इधर, ये क्या था, ये था फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटो, म्यू ऑफ स्ट्राइकिंग फोटो, ठीक, म्यू यानी फ्रीक्वेंसी, म्यू ऑफ स्ट्राइकिंग फोटो, म्यू आपको पता है कैसे लिखते हैं, ठीक, एसपी का मतलब यहां पर बोला स्ट्राइकिंग फोटो,
तो न्यूऑन स्ट्राइकिंग फोटोन, स्ट्राइकिंग यानी जो टकरा रहा है वो फोटो, वो लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है हमारे पास इधर, अगर मैं इधर बात करूंगा तो ये मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी। आप देखें कि आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई स्ट्राइकिंग फोटोन की तो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बढ़ गई ना बेटा। तो कहने का मतलब, सबसे पहला पॉइंट यहां पे समझ में आना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकाला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। स्ट्राइकिंग फोटोन बेटा, स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो आप देख रहे हो। वही बात मैंने बोला था, नौकर को जितनी ज्यादा सैलरी बोलोगे उतना भागने की एनर्जी, भागना की एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी डालोगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चले जाएगी मेरे दोस्तों। पर एक बात समझ लेना, बढ़ तो नहीं है, ये ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आता पेपर में, ये प्रोपोर्शनल तो है पर मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलूंगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डबल है, अगर फ्रीक्वेंसी डबल की तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल होती। पर यहां देखो, मैंने 10 से 20 किया, 10 से 20 डबल हो गया ना, तो फ्रीक्वेंसी फोटोन की डबल हो गई। यहां देखो 5 से क्या हो गई 15, ये डबल से ज्यादा हो गई ना। तो याद रखना, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मोर देन डबल, इफ फ्रीक्वेंसी इज ट्रिपल तो इट विल बिकम मोर देन ट्रिपल, इफ फ्रीक्वेंसी इज 4 टाइम्स इट बिकम्स मोर देन 4 टाइम्स। यानी जितने गुना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितने गुना बढ़ाओगे उतने गुणा बेटा काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बढ़ती चली जाएगी। समझ में आई बात, बट जितने बोल रहे हो उससे ज्यादा, अगर डबल कर रहे हो तो डबल से ज्यादा बढ़ेगी, ट्रिपल कर रहे हो तो ट्रिपल से ज्यादा बढ़ेगी। यानी यहां पे एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज डबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन becomes more than double. डबल से ज्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बेटा देखो ये जो थ्रेशोल्ड है वो तो उतनी रहनी है, वो उतनी यूज होनी है, उसके बाद एक्स्ट्रा जितनी भी एनर्जी डाल रहे हो वो सारी की सारी किसमें चेंज हो रही है, वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में यूज हो रही है, एवरी नेक्स्ट सारी की सारी इज यूज्ड इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ना, ठीक। तो ऐसे करके बेटा वेरी इजीली इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम मोर देन डबल, क्लियर हो गया, क्योंकि जो हमारी थ्रेशोल्ड है वो एक ही बार यूज होनी है, उसके बाद दी हुई सारी एनर्जी 100% विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। पर एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी बढ़ा रहे गिर तो लाइट एक ही इलेक्ट्रॉन पे रही है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना बेटा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बेटे हमें शो करता है पार्टिकल कनेक्टर, पार्टिकल कनेक्टर ऑफ लाइट, वो बोलता है लाइट एक वेव नहीं है, लाइट एक पार्टिकल है। तो अगर वो पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन पे गिरा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी दिस इज, यानी हम ये बोल सकते हैं कि दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, दिस इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिना, दिस इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिनन। यानी अगर एक फोटोन डालोगे तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो फोटोन डालोगे दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
ये वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिनन होता है, समझ में आए? या मैं प्रूव कर दूंगा ऐसा क्यों होता है, जब आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन लेंगे इसमें तो प्रूव कर देंगे ऐसा क्यों होता है कि व्हाई देयर इज वन इलेक्ट्रॉन वन वन फोटोन फिनोमिना, ऐसा क्या है हमारे पास, ये प्रूव हो जाएगा ठीक। पर यहां से एक बात समझ में आ गई कि अगर आप इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा ठीक। यानी अगली बात आएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। जितनी मर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो बच्चों उतना नंबर नहीं चेंज होगा। जैसे शुरुआत में मैंने तुम्हें समझाया था कि एक बंदे को सैलरी चाहे 1,00,000 ऑफर कर दो पर दूसरा बंदा फ्री में नहीं आएगा, जिसको ऑफर करोगे वही आएगा ना, तो जिसको सैलरी पैकेज ऑफर किया वही आया, तो जिसके ऊपर लाइट पैकेज ऑफर हुआ वही आया ठीक, उसके आसपास नहीं, चाहे जितनी मर्जी सैलरी दे दो जितनी मर्जी लाइट दे दो। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। नंबर किस पर डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली अगर ये मेटल का सरफेस है, मैंने पहले लाइट यहां फेंकी ठीक है, यहां पे फेंकी तो यहां फेंकी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर यहां फेंकी तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां फेंकी यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। कहने का मतलब कि अगर ज्यादा फोटोन्स, ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स फेंकोगे तो उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भैया, जितने ज्यादा जगह पे फेंकोगे फोटोन्स उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना भाई ठीक। और ये नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया होता है इंटेंसिटी, क्या नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया is called intensity, इसको इंटेंसिटी बोला जाता है ठीक। और यहां से भी ये समझ में आता है इंटेंसिटी को बेटा हम अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग भी बोल देते हैं, अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग, कितना लाइट गिर रहा है, अमाउंट ऑफ लाइट यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। और हमने पाया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूज। मोर इज द इंटेंसिटी मोर नंबर ऑफ यानी मोर फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग मोर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, बशर्ते उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर ठीक। जैसे यहां पे अगर एक फोटोन डालते तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता, दो फोटोन डाले दो इलेक्ट्रॉन निकला, तीन फोटोन डाले तीन इलेक्ट्रॉन निकला, 1,000 फोटोन डाले 1,000 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं बशर्ते उनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ऊपर हो, किसकी, स्ट्राइकिंग फोटोन। और एक बात ये भी ध्यान रख लेना, ये जरूरी नहीं होता है कि आप लाइट थ्रेशोल्ड से ऊपर डालो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही, निकल भी सकता है कई बार नहीं भी निकलता है ठीक। वो आगे और भी क्लियर करूंगा, ये सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होती चले जाएंगी ठीक। चांसेस है कि वो निकल जाए, अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर हो तो चांसेस है कि वो निकल जाए। बोलो समझ में आया बेटा कि नहीं आया? अब इन्हीं चीजों को लेकर के हम थोड़ी सी ग्राफिकल स्टडी में फंस गए। तो बेटा पहला ग्राफ, अब हम बात करेंगे यहां ग्राफिकल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ग्राफिकल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बच्चे, जब अपन लोग इसे ग्राफिकल स्टडी की बात करते हैं तो ग्राफिकल स्टडी में पहला ग्राफ देखिएगा, फर्स्ट ग्राफ, ठीक। ये ग्राफ मैं बना रहा हूं से काइनेटिक एनर्जी में, इस साइड काइनेटिक एनर्जी ऑफ
इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, और इस साइड ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, इस साइड ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी ठीक, और इस साइड ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी। देखो बेटा ऑब्वियसली ये तो है कि कुछ फ्रीक्वेंसी तक तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, कब तक, जब तक थ्रेशहोल्ड नहीं मिलेगी। मान लेते हैं ये न्यू नॉट है, ये क्या है, न्यू नॉट, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, ये न्यू नॉट है, कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, इससे पहले फ्रीक्वेंसी डाल दो तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। अब उसके बाद आपने इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी शुरू की, तो जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो अब हमने यहां पे जैसे बनाना शुरू किया, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ी वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बेटा ये आगे जाके मैं प्रैक्टिकली भी प्रूव कर दूंगा कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, ठीक। बट याद रखना इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से कभी स्टार्ट नहीं करेगा, समझ में आई, क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड तो देनी पड़ेगी ना बाहर, सो इट शुड नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से आगे, इससे पहले यहां से यहां तक आप फ्रीक्वेंसी अगर डाले भी होते तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करती, समझ में आई, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करे। ये पहला ग्राफ हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी का, होपफुली समझ में आ गया। अब दूसरा ग्राफ देखो बेटा, ध्यान देते रहना ताकि समझ में आए। ग्राफ नंबर सेकंड, ग्राफ नंबर सेकंड हम ले लेते हैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और इंटेंसिटी, या इंटेंसिटी की जगह पहले फ्रीक्वेंसी के ग्राफ ले लेते हैं, ठीक। यहां फ्रीक्वेंसी ले ली हमने फिर से, और यहां पे हमने ले लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, नंबर, ठीक बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने y एक्सिस पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ले लिया, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया आपने, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटो। देखो ऊपर लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी बढ़ा लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलने वाले बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना, ठीक। तो बेटा जी ये ग्राफ हमेशा ऐसा कॉन्स्टेंट रहेगा, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो लेकिन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो इट विल बी पैरेलल टू द एक्सिस, क्लियर हो गया। ये दो ग्राफ आ गए फ्रीक्वेंसी, अब अगले दो ग्राफ लेंगे इंटेंसिटी के, ठीक। ये पहला ग्राफ, अब मैंने यहां लिया इंटेंसिटी, और बेटे यहां ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। बेटा देखो जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, नंबर पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो इस मेटल का जो थ्रेशहोल्ड है वो 5 यूनिट है, इस मेटल का थ्रेशहोल्ड 5 यूनिट है, ठीक है जी। आपने यहां पे 10 यूनिट डाला, यहां पे भी 10 यूनिट डाला, यहां पे 10 यूनिट डाला, तो यहां 5 5 5 निकला, तो क्या नंबर बढ़ाने से, एक बढ़ाने से ज्यादा निकलेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं, काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही रहेगी। हाँ अगर इसको चेंज करोगे फ्रीक्वेंसी को तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, इससे इंटेंसिटी का ग्राफ यहां पर ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, समझ में आई बात, क्लियर। जैसा वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए था यहां काइनेटिक एनर्जी के लिए। अब चौथा ग्राफ, तो चौथा ग्राफ हमारे पास होगा यहां पे आ जाएगा, हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, यानी वही बात फोटो इलेक्ट्रिक करंट।
और यहां पे हमने लिया इंटेंसिटी, तो अब तो हमें पता है इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलना बढ़ेगा और ये ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। और बेटा ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि जीरो फोटोन डाला जीरो इलेक्ट्रॉन निकला, तो जीरो से शुरू हुआ ना ओरिजिन से। अब आपने एक फोटोन डाला एक इलेक्ट्रॉन निकला, दो फोटोन डाले दो इलेक्ट्रॉन निकले, बशर्ते थ्रेशोल्ड से ज्यादा एनर्जी। तो बेटा इस पार्ट में हमने क्या सीखा, पहले हमने फोटोनेगेटिव इफेक्ट सीखा था, इस पार्ट में हमने सीखा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन बढ़ जाती है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी यानी नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी पे बढ़ते हैं। जैसे इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर बढ़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं बढ़ेगा। तो उम्मीद है आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया बेटा, उसकी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर। अब हम चलते हैं इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच की तरफ, और यू कैन से अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, तो नेक्स्ट बात हम जो पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मिटा देता हूं। देखो बच्चों, आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, हमारी सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन, आइंस्टीन, है ना। हम यही मान के चलते हैं हमारी सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो आइंस्टीन है, हम ये मान के चलते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि 1904 तक आइंस्टीन, 1905 तक मैं बोलूं, Einstein was a fourth class employee in a laboratory. 1905 तक वो fourth class employee laboratory में था। Fourth class employee समझते हो? यानी peon होगा। ठीक, चाय वाय पकड़ाने वाला ऐसा काम करता था laboratory में Einstein 1905 तक। 1905 में उसने अपनी theory दी, that is explanation of photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory. और इसी थ्योरी को आगे 1925 में नोबेल प्राइज मिला, एंड देन आइंस्टीन बिकेम आइंस्टीन। तो आज वो हिस्टोरिकल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जिससे आइंस्टीन एक्चुअली आइंस्टाइन में चेंज हो गया। समझ में आई बात? पहले वो पीएन आइंस्टीन था, उसके बाद द ग्रेट आइंस्टीन बना सिर्फ इतनी सी थ्योरी से। तो हम पढ़ रहे हैं आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, आइंस्टीन explanation of photoelectric effect, of photoelectric effect, Einstein explanation of photoelectric effect based on Planck's quantum theory, based on Planck's quantum theory, Planck's quantum theory. तो Planck's quantum theory जो है, ठीक, इसके ऊपर based, या इसको बोल सकते हैं explanation of photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory, या बोल सकते हैं Einstein explanation. देखो बेटा, Einstein कहता है कि जैसे ये metal का surface है, ठीक है जी, कहता है light इसके ऊपर गिरती है, ये लाइट गिरी और लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है। सबसे पहले आइंस्टीन ने यह समझाया कि लाइट का करैक्टर वेव नहीं पार्टिकल भी है, यहीं से पता चला था बेसिकली, ठीक, यहीं से उसने एक्सप्लेन किया। देखो कैसे बोलता, अगर एक लाइट वेव है, अगर मान लो लाइट वेव होती
तो जैसे लाइट मेटल पे गिरती वो सारी जगह फैल जाती, वेव फैल जाती है ना भाई, ठीक है ना, वो सारी जगह फैल जाती, फैल जाती तो उसकी एनर्जी सारी जगह बट जाती। तो जितनी उसकी एनर्जी होती क्या वो सारी इस इलेक्ट्रॉन को मिलती? नहीं मिलती, वो फैल जाती। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी वो मिलेगी नहीं, वो बट जाएगी। फिर वो लाइट आप डालते रहोगे, वो धीरे 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 एनर्जी बढ़ती रहेगी। एक टाइम आएगा जब इधर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी कि वो बाहर निकल सकते। पर इसका मतलब ये है कि लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में टाइम का लैग होना चाहिए, टाइम का फर्क होना चाहिए। समझ में आई? जैसे लाइट गिरी वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, क्यों? क्योंकि जैसे लाइट गिरी वो तो फैल गई। अगर ये वेव होती तो जितनी एनर्जी आपने दी थी वो तो बट गई, ठीक है जी। मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, कितना बड़ा पैकेज है, पर जैसे ही ग्राउंड पे आया बिखर गया, ठीक। तो हमारे तक ये, हम जो लोग जो भी बेनिफिशियरी हैं इसके, वहां तक पहुंचने में समय लग रहा है ना, कॉन्टिन्यूस फिनोमिना है ना। उसी तरह से जब अगर लाइट गिरती तो वो बिखर जाती तो उसकी एनर्जी इधर उधर बट जाती। तो जिस इलेक्ट्रॉन पे गिरती उसको इनफ एनर्जी नहीं मिलती, वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यानी देयर मस्ट बी सम टाइम लैग बिटवीन द फॉलिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। उसने बोला कि देयर इज नो टाइम लैग। पहली बात बोलता है देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन द सरफेस, द फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन द सरफेस एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड Ejection of electron। कहता है इलेक्ट्रॉन के निकलने और लाइट के गिरने में टाइम का कोई लैग नहीं होता, ठीक है भाई। इसका मतलब लाइट इकट्ठी गिरती है, एक पार्टिकल की तरह गिरती है, एक पैकेज की तरह गिरती है, एक पैकेट की तरह गिरती है। इसका मतलब लाइट इज पार्टिकल नेचर। So this proves that it is one photon, one electron phenomena. Therefore, यहां से समझ में आ गया कि भैया time lag नहीं है। Therefore, light bears particle nature. Light bears particle nature, and photoelectric effect is actually one photon, one electron phenomenon. फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिनन हो गया, ये समझ में आ गया बेटे। वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमिनन जो है ना, इसको बोला गया आइंस्टीन स्टार्क्स लॉ। यानी आइंस्टीन स्टार्क्स लॉ क्या कहता है? कहता ईच फोटोन इजेक्ट्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन इफ फ्रीक्वेंसी इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, एक से ज्यादा नहीं। ईच फोटोन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। सो वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन फिनोमिना, दिस इज कॉल्ड एज आइंस्टीन स्टार्क्स लॉ। क्योंकि टाइम का लैग नहीं था, इसका मतलब लाइट वेव नहीं है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है। यहां पर एक पार्टिकल पूरा का पूरा आया, इलेक्ट्रॉन ने पूरा का पूरा पकड़ा, उसमें से अपनी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर एनर्जी लेके वो फोर्स तोड़ दी और बाकी एनर्जी लेकर के वो बाहर निकल गया।
काइनेटिक एनर्जी लेकर के वो बाहर चला गया। समझ में आई बात? पूरी तरह क्लियर हो गया इसका मतलब? तो ये आइंस्टीन स्टार्क्स लॉ इसके ऊपर बेस था कि लाइट जो है वो वेव ना होते कैसी है, पार्टिकल है, इससे वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्लियर हो गया? तो जितने फोटोन डालोगे उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। और मैंने अभी समझाया तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी क्या समझाया था बच्चों भी मैंने, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया, कितना नंबर, जितना ज्यादा नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब दूसरी बात ये बोलता है, ये पहली बात जहां से पार्टिकल समझना, दूसरी बात बोलता है यहां जो एनर्जी मैंने डाली है, एनर्जी स्ट्राइकिंग फोटोन की, जो एनर्जी है स्ट्राइकिंग फोटोन की, वो दो पार्ट में बट गई। एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसको क्या बोला, वर्क फंक्शन, या हम बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जनरली हम बोल सकते हैं वर्क फंक्शन, एक तो इसमें हो गई, और प्लस जो बाकी बची थी, जो तो वर्क फंक्शन में यानी फोर्स तोड़ने में टूट गई, वो तो यूज हो गई, बाकी बची किसमें चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। यानी ये बोलता है एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, जो फोटोन टकरा रहा है उसकी एनर्जी दो पार्ट में बट जाती है, एक यूज अप हो जाती है एज वर्क फंक्शन टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन बताया था, क्या बोला था, मिनिमम वर्क डन टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, तो वो जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए वर्क था उसमें एनर्जी चेंज होगी, यूज हो गई ना भाई। आप ये जानते हैं कि वर्क जो होता है वो क्या होता है बेटा, कैपेसिटी टू डू, यू कैन से एनर्जी जो होती है, एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क, तो वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए ना, तो ये जो वर्क है उसके लिए कुछ एनर्जी यूज हो गई, तो वर्क फंक्शन बाकी बची काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो अब ये जो वर्क फंक्शन है इसको एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, ये तो वर्क फंक्शन हो गया, ये जो स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी है वो दो पार्ट में टूट गई मेरे दोस्तों। पहला पार्ट क्या था, वर्क फंक्शन में यूज हो गया, बाकी बची क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, किसकी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी किसकी, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब यहां पे क्या लिख रहा हूं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गई बात? अब इसको एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते थे, तो कहा कि ई एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन मस्ट बी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी होगा ना, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कुछ बाइंडिंग एनर्जी में यूज हो गई, और कुछ बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने में यानी उसको ओवरकम करने में यूज हो गई, बाकी बची हुई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ये तो पता ही है ना बेटा कि वर्क फंक्शन में जो एनर्जी यूज होती है वो किसके बराबर होती है, बाइंडिंग एनर्जी के बराबर। बाइंडिंग एनर्जी इज एच, हमने बोला बाइंडिंग एनर्जी इज वर्क फंक्शन इनटू चार्ज। सिर्फ ये वो हमारे पास पोटेंशियल है जो इतनी एनर्जी बना सकता है, इलेक्ट्रॉन पे इतना पोटेंशियल देना पड़ेगा जो इतनी एनर्जी यूज करवा सकता है। तो कहता है स्ट्राइकिंग फोटोन की जो एनर्जी है दो पार्ट में बढ़ गई, एक तो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी में यूज हो गई, उसको तोड़ने में यूज हो गई, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी बन गई। बोलो क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बेटा ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक, ई जो होता है वो क्या होता है, एच म्यू, इज इक्वल एच म्यू, तभी तो फोटोन ऑफ लाइट को अपन एच म्यू से डिनोट करते हैं। ये एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन था, तो ये हो गया एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज एच इनटू म्यू ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन।
और बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, इसको मैं ई नॉट लिख सकता हूं ना भाई, सो दिस इज एच म्यू नॉट, एच म्यू नॉट, वेयर ये ई नॉट जो है ये क्या है हमारे पास, ई नॉट बाइंडिंग एनर्जी है पुत्र, और एच ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी नीडेड। तो इन दोनों को यहां पुट कर देते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूं और पुटिंग दिस इन इक्वेशन नंबर वन, तो मेरे पास इक्वेशन नंबर वन क्या बनी, बनी एच न्यू ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, एस पी का मतलब क्या बोल रहा हूं, स्ट्राइकिंग फोटोन शुड बी इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का उसकी हाफ एम बी स्क्वायर, where m क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना भाई, और b क्या होगा उसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ठीक। यानी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, तो आप लिखते हैं h न्यू ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, सो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी h न्यू ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस एच म्यू नॉट, क्यों जी, क्या कुछ कॉमन निकलता नजर आ रहा है, सो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा एच इनटू म्यू ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस म्यू नॉट व्हिच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अब यहां से ये बोलता तीन केस हो सकते हैं, थ्री केसेस, केस वन, केस वन, केस वन बोल सकता है कि स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये कम है ये ज्यादा है, अगर ऐसा हो गया देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बिकम नेगेटिव, क्या कभी काइनेटिक, देखो बेटा ये नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू कम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या नेगेटिव, क्या कभी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है, नहीं होती ना, तो मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, सो नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हुआ, केस नंबर टू बोलता है, कहता है केस टू, केस टू ऐसा हो सकता है, ये कहता है केस टू ऐसा हो सकता है कि म्यू ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन is equal to mu naught, बराबर हो गए, यानी ये और ये बराबर, बेटा ये और ये बराबर, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी becomes zero, काइनेटिक एनर्जी जीरो, बेटा जिसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्या वो चल सकता है, क्या वो निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, तो फिर से क्या आ गया, no electron is ejected though it can come to the surface, surface तक आ सकता है, क्योंकि फोर्स तो टूट गई ना, जितनी एनर्जी फोर्स टूटने के लिए चाहिए थी वो तो मिल गई, पर भागने के लिए एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो सरफेस तक तो आ गया पर उससे बाहर नहीं जा सकता, समझ में आई बात। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट केस, केस थ्री, सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या, केस थ्री है, न्यू ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, यानी स्ट्राइकिंग फोटोन के मुकाबले ये वाले के मुकाबले स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर ऐसा हुई तो पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, सो यहां से क्या समझ में आया बेटा, यहां से आइंस्टीन ने समझाया कि अगर आप थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी डाल दो या उसके बराबर फ्रीक्वेंसी डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, आपको उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी डालनी होगी, मतलब ये मिनिमम, सर्टन मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एंड दैट मस्ट बी अबव देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कम से कम
हमें उतनी फ्रीक्वेंसी तो चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनफ हो, वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए। उतनी फ्रीक्वेंसी अगर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो यहां से इसने प्रूव कर दिया कि मिनिमम सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसीज नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सर्फेस, फ्रॉम द मेटल सर्फेस, मेटल सर्फेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की जरूरत तो होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है जिसको थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर? बट क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं नंबर है? बट क्या इस एक्सप्रेशन में कहीं नंबर है? नहीं है। इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, इट एक्चुअली डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, और बेटा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहां बढ़ाते जाओगे स्ट्राइकिंग फोटोन की, बेटा न्यू नॉट तो कांस्टेंट हो रहा है, थ्रेशोल्ड जितनी चाहिए वो तो उतनी चाहिए ना, है ना, वो कांस्टेंट रहनी है। अगर आप इसको बढ़ाते गए काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब यहां से ये भी समझ में आ गया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। Kinetic energy of ejected electron is directly proportional to frequency of striking photon. यानी सारा photoelectric effect अब mathematically explain हो गया। बेटे clear हो गए हैं। तो Einstein ने बोला दो चार चीजें कि भैया there is no time lag between the ejection of electron and striking of photon on the metal surface, time lag नहीं है। इसलिए time lag ना होने की वजह से हमारे पास definite है कि light is a particle, not a wave here। यहाँ ये particle है और यहाँ पे Einstein's star law लगता है। Each photon can eject only one electron। एक यानी number of electron ejected is directly proportional to frequency। On the other hand, दूसरी बात जो यहाँ पे बोलता है वो बोलता है जो स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी है दो पार्ट में टूटती है, एक वर्क फंक्शन में यूज हो जाता है और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन के प्रोपोर्शनल एनर्जी कौन सी होती है? बाइंडिंग एनर्जी। तो स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी दो पार्ट में बटी, कुछ तो बाइंडिंग एनर्जी में यूज हो गई और कुछ काइनेटिक एनर्जी की तरफ बाहर निकल गई। ठीक, इसको देखकर जब हमने सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो समझ में आ गया कि अगर हमारा स्ट्राइकिंग फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर वो बराबर हुई इलेक्ट्रॉन कैन कम टू द सरफेस बट विल नॉट बी इजेक्टेड। उम्मीद है मेरे बच्चों यहां तक समझ में आ गया। एक लास्ट बात थ्योरेटिकली पूछनी है, बतानी है, इसको मिटा देता हूं। देखो बेटा अब अगली बात समझना। अब इलेक्ट्रॉन आपने यहां पर एनर्जी डाली, आपने यहां पे एनर्जी डाल दी, ठीक, या आपने गलती से डाल दी, इलेक्ट्रॉन पे पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकलना जा रहा है, आप चाह रहे हो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलना है, नहीं निकालना मेरे को, रोकना है। तो रोकने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल देना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी, आपको वर्क करना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए, रोकने के लिए। ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकता है इसको हम बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने का पोटेंशियल। सिंपल। तो अगली बात आ गई स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल को अपन वी नॉट लिख देते हैं। याद रखें ये न्यू नहीं है, वी नॉट, वी नॉट That is potential needed. Potential needed to check ejection of electron from metal surface. यानी metal surface से इलेक्ट्रॉन को निकलने से रोकने के लिए जो पोटेंशियल देना पड़ेगा उसको अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 बोलते हैं। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना चाहिए?
भाई जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कम तो उसको कम पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में चेंज करोगे, आपको पता है एनर्जी इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, है ना? तो बेटा अगर पोटेंशियल में चेंज करोगे पोटेंशियल एनर्जी बाय चार्ज होगा कि नहीं? इसलिए मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, के ई है, उसको मैं अगर चार्ज से डिवाइड कर दूं, वो इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल होगा, उतने पोटेंशियल देना पड़ेगा टू चेक द इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। तो वी नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पर क्योंकि ये यहां है इस साइड को, तो ये इसको ऑपोजिट देना पड़ेगा, यानी साइन हम इसका नेगेटिव लेंगे। ऑपोजिट देना पड़ेगा, इसका नमेरिकल कोई यूज नहीं होता। तो वी नॉट is equal to minus kinetic energy by charge of electron. Where what is V naught? बेटा V naught यहाँ पे क्या है? Stopping potential. वो potential जिससे electron रुक जाए. Stopping potential. ठीक. और ये क्या है? Kinetic energy of ejected electron. और ये क्या है? Charge of electron कितना होता है? 1.602 into 10 to power minus 19 coulomb. ये पक्का है, पता है? तो ये लास्ट बात थी फोटोइलेक्ट्रिक की थ्योरी की कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको बोलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर बच्चों? नाउ थ्योरी हमने एक एक छोटा छोटा पीस पढ़ डाला, कुछ छोड़ा नहीं। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यूमेरिकल्स ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बेटा न्यूमेरिकल स्टडी के लिए सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने हैं, ताकि आगे जाके हमें फॉर्मूलाज का प्रॉब्लम ना आए। जस्ट अ सेकेंड, अब हम बात करेंगे फॉर्मूला यूज्ड। ठीक, न्यूमेरिकल स्टडी की बात करेंगे, न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो फॉर्मूले यूज्ड, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें लगाए जा सकते हैं जिसका यूज इसमें होगा। एक तो बेटा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी वाला होगा, कौन सा? E इज इक्वल टू एच न्यू, और या फिर एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक, इसमें स्ट्राइकिंग फोटोन की हमें कभी फ्रीक्वेंसी दी गई होगी या उसकी वेवलेंथ दी गई होगी, उसकी एनर्जी निकालनी होगी, इसलिए हमें ये यूज करना जरूरी है। ये पहला फॉर्मूला हमें पता होना जरूरी है। दूसरा फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए था एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन।
दो पार्ट में बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तीसरी बात हमें यह पता होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी इज वर्क फंक्शन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी इज वर्क फंक्शन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चौथी बात जो हमें पता होनी चाहिए थी, इसी को आगे निकाला था हमने कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन एंड न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। पांचवी बात, अगर इसकी वेवलेंथ दे दी गई हो, काइनेटिक एनर्जी इज एच सी इंटू वन बाय लैम्डा नॉट, जहां लैम्डा नॉट क्या होगा बेटा, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, और लैम्डा नॉट क्या होगा बेटा, लैम्डा नॉट होगा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ नीडेड टू इजेक्ट। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है ना बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ना, तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम तो वेवलेंथ मैक्सिमम, क्लियर। चलिए क्लियर, उसके बाद लास्ट फॉर्मूला जो यहां यूज होता था, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इसको ई लिख लो, क्यू लिख लो, मेरी बता से ठीक। अब इसमें मैंने बोल दिया कि ये जो वी नॉट है ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है जी। और ये चार्ज हमें पता है कितना है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, हमेशा से जानते हैं। सिमिलरली यहां पे भी जो चार्ज है वो 1.602 × 10⁻¹⁹ है, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन को तो निकाल रहे हैं ना। So these are the formulas we have to actually use in solving numericals of photoelectricity. तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल numerical करेंगे बेटा, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक। हर एक क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर वन हमें क्वेश्चन दिया है, a photon of wavelength 5000 nanometer strikes on the metal surface, having work function of 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। वर्क फंक्शन कितना दिया मेरे बच्चों, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। फाइन नंबर वन, सबसे पहला है एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इन जूल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी of striking photons peak in joule and electron volt, हमें electron volt में बतानी है, joule में बतानी है। दूसरा question हमें दिया है binding energy निकालना है,
दूसरा क्वेश्चन है बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तीसरा क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालनी है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, चौथा क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, और पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास उसमें दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है इस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन हमारे को दे दिया गया है, वेवलेंथ हमें दे दी गई है बेटा कितनी 5000 नैनोमीटर, which strikes on the metal surface having work function 2.2 electron volt, energy of striking को निकालना है, energy का result। चलिए बारी बारी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी कैसे निकालेंगे, अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर बेटा, इस सारे क्वेश्चन को समझेंगे, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक्चुअली पांच क्वेश्चन हैं, जिससे हमें समझ में आ जाएगा कोई कोई चीज को कैसे रिलेट करते हैं। सबसे पहला है गिवन क्या है हमें यहां बेटा, गिवन तो हमारे पास दो चीजें, लैम्डा 5000 नैनोमीटर यानी 5×10⁻¹ मीटर, नैनोमीटर 10⁻¹ कितना होता है, 5000 नैनोमीटर दिया, 5000 एंगस्ट्रॉम कर लो, सॉरी 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 एंगस्ट्रॉम 10⁻¹⁰ तो 30 तो 5×10⁻¹⁰ एंगस्ट्रॉम कर दिया, ठीक। तो गिवन वेवलेंथ इज 5000 एंगस्ट्रॉम्स, ठीक, और दूसरा दिया था वर्क फंक्शन, वो दिया हमने 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके। अब पहला क्वेश्चन था आपके पास एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, बेटा एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन में वेवलेंथ ये क्या होती है, hc/λ, सिंपल, ठीक। hc की वैल्यू तुम्हें याद है 19.8×10⁻²⁶, यही वैल्यू रहती है हमेशा, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है यहां पर 5×10⁻¹⁷ बेटे, ये एनर्जी आ गई यहां से, ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये एनर्जी आ गई, क्लियर, समझ में आई कि नहीं आई, से ये एनर्जी आ गई आपके पास 3.96×10⁻¹⁹ जूल, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 3.96×10⁻¹⁹ जूल। नाउ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बोला था, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया जाता है, वही बात है, एनर्जी इज पोटेंशियल इंटू चार्ज, वही बात हमारे पास रहेगी यहां पे, अगर आप एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय चार्ज, तो बेटा जी चार्ज किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का, तो डिवाइडेड बाय 1.602×10⁻¹⁹, ये आ गया इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इसमें आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, बोलो क्लियर, ये तो सॉल्व हो जाएगा, हां जी, ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड था बाइंडिंग एनर्जी, और हमें दिया था वर्क फंक्शन, हम जानते थे बाइंडिंग एनर्जी इज वर्क फंक्शन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही तो था बाइंडिंग एनर्जी इज वर्क फंक्शन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वर्क फंक्शन कितना था 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और चार्ज कितना 1.602×10⁻¹⁹, यहां से बाइंडिंग एनर्जी आ गई, ठीक है जी, यहां से बाइंडिंग एनर्जी आ गई, क्लियर। से मैंने इसको अभी सॉल्व ना भी किया होता, इसको मान लो एक्स दे लेते या कुछ भी दे लेते, है ना, इसको सॉल्व करके आंसर आ गया, ठीक है जी। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन भी आ गया, सेकंड भी आ गया, बाइंडिंग एनर्जी वर्क फंक्शन टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ये हो गया अब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। सी अब हमें पता था हमारे पास एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन मिल चुकी है, वहां से बाइंडिंग एनर्जी निकाल चुके हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो बेटा इसी से हम जानते थे कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस बाइंडिंग एनर्जी, है ना जी। तो बेटा जी एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन कितनी है, ऊपर निकाली हमने कितनी 3.96 इंटू 10^5 माइनस 19 और यहां माइनस बाइंडिंग एनर्जी यहां निकाल दी, मान लो एक्स आ गई तो माइनस एक्स कर दीजिएगा, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। कोई दिक्कत आई क्या इसमें? ठीक, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन ये निकाली, बाइंडिंग एनर्जी ये निकाली, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया क्या जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर चौथा, हमें ये कह दिया गया था कि वेलोसिटी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकालो। हम जानते थे काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम बी स्क्वायर और वी यहां वेलोसिटी थी, इसका मतलब जो वी होगा वो होगा टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम का अंडर द रूट। क्यों जी, ये यहां चला गया एम नीचे आ गया अंडर द रूट, तो बेटा वी यहां पे आ गया, काइनेटिक एनर्जी यहां से निकाल दी हमने, ठीक टू इंटू काइनेटिक एनर्जी वो यहां से निकाल दी हमने, यहां से जो भी वैल्यू आई होगी उसको यहां पुट कर दिया। और एम मास किसका भरेंगे बेटा, बेटा मास इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि निकल कौन रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.11 × 10^-31 केजी। बेटा केजी में भरना है, एसआई में चल रहे हो ना, जूल वूल ले रहे हो तो फिर केजी में भरना पड़ेगा। तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, आपने टू काइनेटिक एनर्जी यहां से निकाली थी डिवाइडेड बाय मास, तो वेलोसिटी आ गया अंडर द रूट करके वेलोसिटी आ गई। बोलो वेलोसिटी निकालनी आ गई कि नहीं आई भाई, समझ में आया कि पिछला पिछला गया। लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ वन, बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, तो कहा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज 1.602 × 10^-19। काइनेटिक एनर्जी थर्ड क्वेश्चन में निकाल चुका हूं मैं, ठीक, और चार्ज हमें पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन निकालने आ गए बेटा। अगर एनर्जी स्ट्राइकिंग फोटोन की निकालनी होती है क्या लगाते हैं, E=hυ या E=hc-λ। बाइंडिंग एनर्जी निकालनी होती है वर्क फंक्शन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन ये काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस बाइंडिंग एनर्जी, क्लियर। और वैसे ही अगर हम वहां चले जाए, ठीक, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, वेलोसिटी निकलेगी अंडर रूट ऑफ 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m, बेटा काइनेटिक एनर्जी हम पुट कर देंगे निकाल देंगे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इजीली आप ये पांचों क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं, उम्मीद है आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई। फटाफट यस नो लिखो, समझ में आया कि नहीं, क्विकली राइट यस और नो, सारे बच्चे लिखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन था बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला नंबर।
बेस्ड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, आपको कहा एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टॉप इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस इज 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स when wavelength of 250 nanometer strikes, when wavelength of when wavelength of 250 nanometer strikes on the metal surface, strikes on the metal surface, calculate work function, calculate work function of metal and binding energy of electron. ठीक, और आपको काइनेटिक एनर्जी भी पूछी हो सकती है। कैलकुलेट वर्क फंक्शन, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। देखो जी, काइनेटिक एनर्जी तो सबसे पहले आ जाएगी। अब देखो भाई, सबसे पहली बार अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अब पहले हम देखेंगे कि गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या दे रखा है। बेटे क्या क्या दे रखा है बोलिए। हमें दे रखा है न्यू वी नॉट, क्या दे रखा है, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है, 0.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक, और दूसरा दे रखा है वेवलेंथ ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन, और वो दे रखे 250 नैनोमीटर, यानी 250 into 10 to power minus 9 meter, यानी 2.5 into 10 to power minus 7 meter। एक पहली चीज हमें निकालनी है वर्क फंक्शन। ठीक, देखो बेटा, वर्क फंक्शन निकालने के लिए हमें एनर्जी चाहिए स्ट्राइकिंग फोटोन की, और हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो ही हम क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी से निकलेगा वर्क फंक्शन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली बात हम यहां पर पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। हमें जानते थे वर्क फंक्शन इज काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन चार्ज, तो यानी आपका जो काइनेटिक एनर्जी होगी होगा वर्क फंक्शन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा न्यूमेरिकली साइन को यूज करने की जरूरत नहीं, वो तो सिर्फ एक तरह से ऑपोजिट है। तो भैया ये था हमारे पास कितना, 0.24 और चार्ज है 1.602 इनटू 10 टू पावर माइनस 19। लो जी, एक क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब हमें बाइंडिंग एनर्जी के लिए पहले निकालना पड़ेगा एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। ठीक, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन हम जानते हैं वो एच सी बाय लैम्डा होता होगा। ठीक, तो एच सी पता है 19.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 26 होता है, और वेवलेंथ 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 होती है। तो यहां से एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन अपन निकाल सकते हैं, तो निकाल दे हमने एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग। ठीक,
ठीक, अब हमारे को निकालना था क्वेश्चन नंबर वन, दैट इज वर्क फंक्शन। बेटा वर्क फंक्शन के लिए पहले निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी जो होनी थी वो यहां से निकल सकती थी कि बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन माइनस माइनस हो गया ना काइनेटिक एनर्जी, से काइनेटिक एनर्जी यहां पे एक्स थी और ये मान लो यहां पे वाई था, तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ गई, बाइंडिंग एनर्जी आ गई मेरे दोस्तों वाई माइनस एक्स। पर अपने को बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी निकालने का, हमें निकालने का वर्क फंक्शन। तो बेटा वर्क फंक्शन जो होता है, इधर देखिए बाइंडिंग एनर्जी वर्क फंक्शन इनटू चार्ज, तो बेटा वर्क फंक्शन इज बाइंडिंग एनर्जी बाय चार्ज, यानी बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी वाई माइनस एक्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्ब। अभी बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है, तो आपका यहां पे बाइंडिंग एनर्जी भी निकल गया, ठीक है जी, आपका यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया, आपका यहां पर वर्क फंक्शन भी निकल गया। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो जल्दी क्विकली, यस और नो। ओके, अब अपन क्वेश्चन नंबर थ्री करेंगे बेटा, ठीक, ये अभी के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा तुम्हारा, ठीक, क्योंकि उसके बाद आप इसके ऊपर कोई मर्जी क्वेश्चन कर सकते हैं, अश्विन सर ने पूरा करवा दिया है, ए टू जेड कुछ भी कर सकते, ठीक, मैथमेटिक्स तुमने लगाना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूं बेटा, बहुत बार पेपर्स में आया है, नंबर ऑफ टाइम्स अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर क्वेश्चन यही दिया जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन देखिए पहले और फिर समझिएगा क्वेश्चन क्या है। कहा व्हेन अ मेटल is irradiated, when a metal is irradiated with frequency of light, with frequency of light, when metal is irradiated with frequency four into ten to power 16 hertz, four into ten to power 16 hertz, its kinetic energy is found to be 3 times the kinetic energy when it is irradiated, when the matter is irradiated with the frequency of 4 into 10 to power 16 hertz, its kinetic energy is found to be 3 times the kinetic energy when it is irradiated with frequency, with frequency 2 into 10 to power 16 hertz, 2 into 10 to power 16 hertz. Find threshold frequency,
फाइंड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर. फाइंड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशहोल्ड को बड़ा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं. कल को अगर तुम्हें क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बोली एक ही बात है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एक ही बात होती है. तो बड़ा थोड़ा ध्यान देना. क्वेश्चन देखिएगा कैसे होगा, है क्या पहले समझ लेंगे. हमने बोला ये एक मेटल का सरफेस है. इस मेटल के सरफेस पे अगर आपने एक लाइट फेंकी, ठीक जी, और वो लाइट कितनी फेंकी है, आपने लाइट फेंकी है 4×10^16 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी लाइट की फेंकी है. तो बाहर जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक, उसकी काइनेटिक एनर्जी, मान लो काइनेटिक एनर्जी 1 है, ठीक है, इसको मान लेते हैं न्यू 1 है, यानी फ्रीक्वेंसी 1 है, 4×10^16 हर्ट्ज, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 है. इसी मेटल पे कहता है कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी डाली होती, कितनी डाली होती, 2×10^16 हर्ट्ज डाली होती, मान लो इसको न्यू 2 बोल देते, ठीक, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहां आती वो KE2 होती, ठीक. अब कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है कि KE1 इज 3 times द काइनेटिक एनर्जी 2. क्या बोलता है, काइनेटिक एनर्जी 1 इज 3 times द काइनेटिक एनर्जी 2. क्लियर है जी. अब इसको हमने क्वेश्चन करना है इसके ऊपर सॉल्व, और हमें पूछा है कि आप न्यू नॉट बता दो, ठीक है जी. और मान लो अगर इसके ऊपर पूछा होता लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बता दो, ऐसे ही पूछा है, ठीक. देखो बेटा, अब इस केस में कैसे करेंगे आप. सी, हमें यह दिया गया है काइनेटिक एनर्जी 1, बेटा काइनेटिक एनर्जी 1 किसके बराबर होगी, H×(n)-(n)0, क्यों जी. और काइनेटिक एनर्जी 2 किसके बराबर होगी, ऑब्वियसली H×(n)(2)-(n)0, यही वाला फॉर्मूला है ना भाई, ठीक. इन दो के रेशियो ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू H×(n)-(n)0 डिवाइडेड बाय H×(n)(2)-(n)0, ये से H कैंसिल. और हम ये जानते थे कि अगर हम ये जानते थे काइनेटिक एनर्जी 1 इज 3 times द काइनेटिक एनर्जी 2, तो यहां देख सकते थे 3 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, यानी इसको बेटा हमने काइनेटिक एनर्जी 2 की टर्म्स में लिख दिया, ठीक है जी. एंड दैट शुड बी इक्वल टू (n)(1)-(n)0 डिवाइडेड बाय (n)(2)-(n)0. बेटा काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कट गया, क्या आया, 3×(n)-(n)0 डिवाइडेड बाय (n)(2)-(n)0. इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर ले गए, ठीक, इसको हम इधर ले गए, ठीक है. ये आया 3×(n)-(n)0, 3×(n)-(n)0 is equal to (n)(1)-(n)0 is equal to (n)(1)-(n)0. ओके, सॉल्व कर दिया इसको. इसका मतलब हो गया 3×(n)-(3)0 is equal to (n)(1)-(n)0. बड़ा (n)0 वाले कट्ठे ले चलते हैं, ठीक, और बाकी कट्ठे, तो 3×(n)-(n)1 is equal to, ये यहां लाके प्लस का हो गया 3×(n)-(n)0, मतलब 3×(n)-(n)1 is equal to (2)-(n)0. तो (n)0 कितना हो गया,
3 mu 2 minus mu 1 upon 2. बोलो हो गया सौखा. Now mu naught निकालना है 3 into यहां वैल्यू कितनी mu 2 की 2 into 10 के बाद 16 minus कितना mu 1 कितना 4 into 10 के बाद 16 divided by 2. बेटा 3 into 2 कितना आया 6. 6 में 4 गया 2. 2 से 2 divided cancel. क्या बच गया 10 into 5 16 hertz. तो आंसर क्या आ गया बच्चा आंसर आ गया 10 to power 16 hertz. बोलो अरे क्लियर हो गया कि नहीं. मेन बात है दोनों काइनेटिक एनर्जीज की क्या ले लेंगे रेशियो ले रेशियो ले लेंगे दोनों कॉमन कटते जाएंगे वैल्यूज पुट करते जाएंगे इजीली सॉल्व हो जाएगा एंड पर कहां जाइएगा बेटा मान लो इसमें फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ भी होती तो हम यहां पे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी hc 1 by lambda 1 minus 1 by lambda 0 ऐसे करके लिख तो देते हैं पर बेटा उससे ना कैलकुलेशन टफ हो जाती है तो मेरी आपसे ये दरकार है वो तो आप लैम्डा में भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर वेवलेंथ दी है तो लैम्डास के हिसाब से करना यहां पे आ जाएगा hc 1 by lambda 0 lambda 1 minus 1 by lambda 0 बस hc hc तो कैंसिल हो जाना है ठीक लेकिन बेटा उससे ना कैलकुलेशन टफ हो जाती है तो बेटर ये रहता है अगर वेवलेंथ दी है तो उसको फ्रीक्वेंसी में पहले कन्वर्ट करो ताकि आपका फ्रीक्वेंसी आएगी वो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है बाकी ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स जिसको आता कुछ भी कर सकता है यहां वो तो यहां पे 1 / लैम्डा 1 - 1 / लैम्डा 0 इसको पुट करके तब भी सॉल्व कर लेगा तो ऐसा नहीं मैथमेटिक्स जितना आपके औकात है उसके हिसाब से मैं तो सिर्फ ये समझा सकता हूं कि भैया मेरे जैसा अनपढ़ आदमी जिसका मैथमेटिक्स कमजोर होगा तो वो क्या करेगा वो सिर्फ अगर वेवलेंथ दी होगी तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा उसको बेटा फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा थोड़ा टाइम ड्यूट कर देगा पर वैसे मेरे को कैलकुलेशन में और भी ज्यादा टाइम लगना था तो मैंने वहां कैलकुलेशन में टाइम सेव कर लिया सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड मैंने आपको कितने क्वेश्चन करवाए 5 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में थे 3 क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में थे 1 ये था 10 9 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए बेटा सारे इसी के ऊपर बेस्ड है आपको कभी बाइंडिंग एनर्जी कभी काइनेटिक एनर्जी अब देखो हमारा क्या ये फॉर्मूला हमने यूज किया देखो जो फॉर्मूला हमने लिखे थे क्या वो यूज हुए क्या मैंने ये यूज किया है ऑब्वियसली क्या मैंने ये यूज कर दिया यस क्या मैंने ये भी यूज करना सिखाया यस सर क्या मैंने ये यूज करना सिखाया बोलो यस सर क्या मैंने ये यूज करना सिखाया मैंने बोला अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की जगह वेवलेंथ होती है क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल यूज करना सिखाया तो इन सारे फॉर्मूलास पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिए बच्चों बाकी मेरे करवाए क्वेश्चन मेरी दी हुई असाइनमेंट अच्छे से कर लो जिंदगी में कभी कोई क्वेश्चन फंस जाएगा ना सर को पूछ ले सिर्फ दो ही चीजें करनी है क्या मेरी दी हुई असाइनमेंट और यहां जो क्लास में मैं पढ़ाता हूं उसको बस तीसरी चीज की जरूरत नहीं जिंदगी में किसी किताब की ठीक इतने क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में डाल देता हूं सो आज इतना ही थैंक्स लॉट कोई डाउट है तो जी भर के पूछ सकते हैं सर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को और क्या बोलते हैं सर गुंजन एक बार फिर बोलना बेटा सर आपने बताया था ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को कुछ और भी बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बेटा threshold frequency is also called as critical frequency. Any other question? Any other question to any student who is samajh na aayi ho? So, bete, iska lecture recorded. Main aapko send kar dunga. Theek, uska link main aapko send kar dunga. Aap ek baar phir dekhiyega. Koi doubt ho, remove kar lijiyega. और असाइनमेंट में भेज दूंगा आज असाइनमेंट करिएगा एक भी चीज छोड़ेगा नहीं आपके टेस्ट चेक हो चुके हैं उसके मार्क्स मैं कल तक भेज पाऊंगा आज थोड़ा बिजी हूं क्लासेस ज्यादा है कल भेज दूंगा मैं आपको टेस्ट ओके थैंक्स लॉट होपफुली यू एंजॉयड द क्लास थैंक यू